हेलो गाइज, फाइनली आज क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी परीक्षा दिए थे 2022 में, तो उनका जो है आज इंतजार खत्म होने वाला था। लेकिन यहाँ पे बिहार बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर उठ के आ रही है कि बिहार बोर्ड का जो वेबसाइट है वो हो गया क्रैश। ठीक है, वेबसाइट जो है बिहार बोर्ड का वो क्या हो गया आपका यहाँ पे क्रैश हो गया। रिजल्ट जारी होने से पहले ही जो है वो वेबसाइट यहाँ से आपका क्रैश हो गया। आप देख ही रहे होंगे आप लोग कि बिहार बोर्ड ने बोला था कि 1 बजे जो है वो रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3:25 हो रहा है अभी, यहाँ पे 3:30 बज गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। यहाँ तक कि लिंक भी खुल नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पे अपने सिस्टम पे लिंक को ओपन करने की मतलब कोशिश किए वहाँ पे, तो इन्फॉर्मेशन में दे रहा है कि वेबसाइट इज़ अंडर मेंटेनेंस। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ लाइव। यहाँ अगर खुल जाए इस मोबाइल में तो मैं आप लोग को लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ठीक है ना, बिहार बोर्ड ने बोला था कि 1 बजे यहाँ पे जो है वो रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा 1 बजे, लेकिन यहाँ पे अब हो रहा है दोस्तों 3:30। ठीक है ना, 3:30 के आसपास यहाँ पे टाइम जो है वो हो रहा है, तो अभी तक यहाँ पे जो है लिंक जो एक्टिवेट नहीं किया गया। आखिर कब तक लिंक एक्टिवेट होगा, ठीक है ना, जानिए मेरे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, जब मैं यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक किया, यहाँ पे बिहार बोर्ड डॉट ऑनलाइन डॉट कॉम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला लिंक हमने यहाँ पे खोल दिया है, बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट कॉम। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बिहार बोर्ड की तरफ से है कि वेबसाइट इज़ अंडर मेंटेनेंस, यानी कि जो वेबसाइट है, ठीक है ना, यहाँ पे बिहार बोर्ड का जो वेबसाइट है, जितने भी वेबसाइट को जारी किया था कि इस वेबसाइट पे जो है आपका रिजल्ट आएगा, वो क्या है, अभी वेबसाइट इज़ अंडर मेंटेनेंस, यानी कि ये अभी वेबसाइट जो है अभी मेंटेनेंस हो रहा है। ठीक है ना, मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि जो वेबसाइट जो है वो रिजल्ट होने से पहले, रिजल्ट जारी करने से पहले ही जो है वेबसाइट वो क्रैश हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो वी विल बैक शॉर्टली, यानी कि बहुत कम समय में जो है आपके पास ये कम बैक होगा। ठीक है ना, यानी कि लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा, लिंक को जारी किया जाएगा। तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है दोस्तों, तो यहाँ पे बिहार बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग वहाँ से फिर रिजल्ट इस लिंक से देख सकते हैं। ठीक है ना, बिहार बोर्ड ने यहाँ पे सरकारी रिजल्ट में 2 सर्वर को दिया है और फास्ट जॉब सर्वर में जो है वो 4 लिंक यहाँ पे एक्टिवेट है। ठीक है, 4 लिंक एक्टिवेट है, लेकिन अभी तक कोई भी लिंक जो है काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। सबका सब में यही इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि वेबसाइट इज़ अंडर मेंटेनेंस। ठीक है ना, तो बिहार बोर्ड का जो वेबसाइट है वो एग्ज़ाम से पहले ही क्रैश हो गया। आप सुनकर चौंक गए होंगे कि क्रैश हो गया इसका वेबसाइट। ठीक है ना, पता ना कैसे वेबसाइट बनाया था ये, कि इसका वेबसाइट जो है रिजल्ट के पहले ही क्रैश हो गया दोस्तों। ठीक है ना, तो जब भी ये जारी करेगा ये BSEB जो है क्लास 10 का रिजल्ट, मैट्रिक का रिजल्ट, तो मैं आप लोगों को सूचना दूंगा और मैं लाइव आप लोगों का रिजल्ट बताऊंगा। अगर आपके पास में जो है लॉगिन नहीं हो रहा, लिंक नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है ना, लिंक ओपन में कुछ समय लग रहा है, देरी लग रहा है, तो हम आप लोगों को लाइव यहाँ से अपने सिस्टम के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचाने का कृपा करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है मैं आप लोगों तक सूचना जो है अवश्य पहुंचाऊंगा, मैं लाइव आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को क्लिक करके लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।